सो दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में लाखों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, और इस बात में कोई दोराय नहीं कि हर प्रकार के जीव जंतु एक अनोखे प्रकार से अपने बच्चों को जन्म देते हैं। सो दोस्तों, आज की इस अनोखी वीडियो में आप कुछ ऐसी जीव जंतुओं को देखोगे कि वो किस प्रकार से अपने बच्चों को जन्म देते हैं, और वीडियो काफी मजेदार बनी है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सी अर्चिन। सो दोस्तों, आप में से कई लोग इस कांटेदार जीव के बारे में जानते होंगे जो समुद्र में पाया जाता है, और ब्रीडिंग सीजन में फीमेल सी अर्चिन करोड़ों बच्चों को जन्म देती है। हालांकि इनमें से अधिकतर बच्चों को कोई और जीव खा लेता है, पर जितने बच्चे बच जाते हैं वो करीबन 2-3 घंटों में ही अपने शरीर का आकार बदलने लगता है, जैसा कि अभी आप इस वीडियो में देख सकते हो। और अगर ये बच्चे अच्छे से सर्वाइव कर पाए तो बहुत ही जल्दी एडल्ट सी अर्चिन में बदल जाएंगे। नंबर 2, स्लज। सो दोस्तों, वैसे तो हिंदुस्तान में काफी लोग इन्हें स्नेल्स के नाम से बुलाते हैं, हालांकि जमीन में आप जो ये चिपचिपा सा पदार्थ देख रहे हो इसे म्यूकस कहते हैं, जो अपने ये बॉडी से छोड़ता है, और इसी म्यूकस के मदद से पीछे पीछे कोई पार्टनर आता है और ये लोग मेटिंग करते हैं, और एक बार जब मेटिंग हो जाए उसके बाद फीमेल करीबन 30 अंडों को जमीन के अंदर पैदा करती है, और करीबन 3 से 5 हफ्तों के बीच में ये अंडे एकदम हैच होने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वैसे तो स्लज दिखने में काफी घिनौने लगते हैं, पर इनके बच्चे काफी प्यारे हैं। सो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे एक लाइक जरूर दो, काफी मेहनत से बनी है। नंबर 3, मधुमक्खी। ये बात तो शायद आपको पता होगा कि हर मधुमक्खी के छत्ते में बस एक ही रानी मधुमक्खी होती है, और यही रानी मधुमक्खी पूरे जीवन काल में बच्चे पैदा करती है, और अगर कभी कोई छत्ते की रानी मधुमक्खी मर जाती है तो वो छत्ता अपने आप बर्बाद हो जाता है, और रानी मधुमक्खी का जीवन में बस एक ही काम होता है, वो है बच्चे पैदा करना। सो दोस्तों, हर मधुमक्खी को अपने जीवन में 3 स्टेज को पार करना पड़ता है। सबसे पहला होता है एग, उसके बाद होता है लार्वा, उसके बाद होता है प्यूपा, और अभी आप इन कोन जैसे स्ट्रक्चर्स को देख सकते हो जिसके अंदर रानी मधुमक्खी द्वारा अंडों को दिया जाता है, और फिर ऐसा होने के बाद कुछ दिनों बाद ही ये अंडे कन्वर्ट हो जाते हैं लार्वा में, और फिर वर्कर्स बी द्वारा इन सभी लार्वों को खाना खिलाया जाता है, और फिर बस 2-4 दिन के अंदर ही ये सारे लार्वे कन्वर्ट हो जाते हैं प्यूपा में, और इस प्रक्रिया को होते हुए देख अभी आप अपनी आंखों से देख पाओगे। सो अब इनकी जीवन शैली की सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, और आखिर में ये बन जाते हैं मधुमक्खी। नंबर 4, छिचलीट। सो दोस्तों, यूं तो इस मछली का नाम काफी अजीबोगरीब है, पर साथ ही इस मछली का कारनामा भी एक अलग लेवल पर है। ये मछली जब भी अपने बच्चों को पैदा करती है उन्हें अपने मुंह के अंदर रखती है। अब यूं तो इस बात को सुनने में किसी को भी बहुत ज्यादा हैरानी हो, पर ये काम ये मछली जानबूझकर नहीं करता, इसके पीछे भी एक वजह है। ये मछली अपने बच्चों को अपने मुंह में इसलिए ही रखता है क्योंकि दूसरे प्रेडेटर से बचा पाए, और ये टेक्निक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी है जिसके कारण इस मछली ने इस टेक्निक को एडॉप्ट कर लिया है। सो दोस्तों, वीडियो को यही एंड करते हैं, वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों तक, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। मिलते अगले वीडियो में एक नए अनोखे वीडियो के साथ।